हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी आईएएस। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है इज अबाउट पॉलिटी, एचसीएस एग्जाम के लिए हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर दैट, हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर एचसीएस एग्जाम, द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो, बिकॉज स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जैसे वो यूपीएससी के लिए पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी के लिए पॉलिटी प्रिपेयर किया वैसे ही सेम एचसीएस के लिए भी चलेगा। मेरे को इसी चीज़ को आप पे, इस पर आपका फोकस आने की ज़रूरत है। डिफरेंस है एचसीएस की प्रिपरेशन और यूपीएससी की प्रिपरेशन में, अभी भी बहुत डिफरेंस है। ऑल दो एचसीएस जो है वो अलाइन करने की ट्राई कर रहा है कि वो यूपीएससी वाले पैटर्न पे जाए, बट अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस है एक यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर और एचसीएस के एग्ज़ाम के अंदर। तो डेफिनेटली जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी डिफरेंट सिनारियोज के अंदर होनी चाहिए, डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ होनी चाहिए। हर टॉपिक के लिए डिफरेंट आपका एक एम होना चाहिए, राइट, यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ना है, एचसीएस के लिए कैसे पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ पॉलिटी की को कैसे प्रिपेयर करना है अपने एचसीएस एग्जाम के लिए, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहली चीज सबसे ज्यादा दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्वेरीज मेरे पास आती है, लाइक सर क्या लक्ष्मीकांत जो है एक्चुअली वन स्टॉप सोल्यूशन है एचसीएस पॉलिटी के लिए? सर हम अगर एक एच सी एस लक्ष्मीकांत नाम की जो किताब है उसको पूरा रट के चले जाए, उसको पढ़ के चले जाए कि हमारा एच सी एस के अंदर हो जाएगा पॉलिटी के, हमारा काम चल जाएगा, तो मेरा उनके लिए आंसर है यस बी और नो बी। वाई यस एंड वाई नो? बिकॉज यस इस वे में कि यस लक्ष्मीकांत रेलिवेंट है, आई एग्री लक्ष्मीकांत रेलिवेंट तो है, बट क्या आपको पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत है? एब्सोल्यूटली नो, नॉट कंप्लीट। नीड टू स्टडी सर्टेन रेलिवेंट टॉपिक्स ऑफ लक्ष्मीकांत, फिर चाहे वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ो, चाहे वो हम कैसे भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट आपको वो जो सर्टेन टॉपिक्स है, वो सर्टेन रेलिवेंट टॉपिक्स है, लाइक प्रेसिडेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव है अपना, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, और स्पेशली अगर भी आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर से भी, जो हमारा जो एचसीएस का एग्जाम है वो पॉलिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नाम की भी एक चीज है, उस पर उनका बहुत ज्यादा फोकस जा रहा है, उसको प्रिपेयर करने की जरूरत है। लेकिन क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो लक्ष्मीकांत के अंदर है? तो आंसर विल वो क्या किसी एक सच किसी बुक के अंदर मिल जाएगा आपको? तो उसका आंसर भी मैं कहीं ना कहीं कहूंगा नो। अगर आए नो, मैं अगर आपको कहूँगी कि आप खुद पढ़ लीजिए और आप समझ में आ जाएगा, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। What you actually need to do now is कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटने, फैक्ट्स आर ऑल्सो इक्वली रेलिवेंट, बट सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको पॉलिटी एज अ होल एज अ सब्जेक्ट चीज़ें काम कैसे करती हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर अगर कोई आर्टिकल इंक्लूड करा है तो क्यों जरूरत पड़ गई उसकी, वाई इट वॉज इंक्लूडेड, कोई पर्टिकुलर अमेंडमेंट आया तो वो क्यों आए? अमेंडमेंट का मतलब है कि इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तो उसके अंदर नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया, तो किसी ना किसी रीजन से ऐड किया गया। अब आपका फोकस उस रीजन के ऊपर जाना चाहिए, बजाय उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के नंबर रटने की बजाय। एचसीएस का जो फोकस है यहाँ पे शिफ्ट हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ, एचसीएस की अगर पॉलिटी की बात करूं, नाउ इट हैज मूव्ड ऑन टू एनालिटिकल पार्ट, नाउ इट हैज बिकम एनालिटिकल फ्रॉम फैक्चुअल से कन्वर्ट होके अब एनालिटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस। फैक्ट्स आर आल्सो रेलिवेंट, फैक्ट्स अभी भी रेलिवेंट है, बट ये पार्ट बहुत रेलिवेंट हो गया एनालिटिकल। फॉर एग्जांपल अगर आप पिछले दो साल के स्पेशली पेपर उठा के देखो एचसीएस, तो यू विल बी फाइंडिंग क्वेश्चंस रिलेटेड रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल, उसके बारे में, उसमें से एक मान लो लेट से बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। इसमें ऐसा नहीं पूछा हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बेसिक स्ट्रक्चर किस कौन से ईयर में आया या किस केस के बाद आया, किशन अंदर भारतीय केस, नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर एज अ अंडरस्टैंडिंग, इसका एनालिटिकल पार्ट पूछा है, बेसिक स्ट्रक्चर का क्या काम क्या होता है, क्या आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस टाइप की चीजें। नाउ दे आर मूविंग ऑन टू एनालिटिकल,
तो क्या ये चीजें एज सच आपको लक्ष्मीकांत अगर मैं पढ़ने के लिए बोल दूं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए आपको ये चीज समझ में आ जाएंगे, तो आंसर है क्लियर कट नो। यहां पर आपको जरूरत है अंडरस्टैंडिंग की चीज समझने की, एक डीप अंडरस्टैंडिंग की। और कोर्स क्या हर टॉपिक को इतना ही डीपली समझना है, तो दैट द आंसर फॉर दैट इज ऑल्सो नो। यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, आपको किन किन टॉपिक से फोकस करना है। मैं अभी पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, राइट, लाइक पंचायती इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, कि क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं पंचायती। इट कैन डेफिनेटली बी आस्क कि आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस भी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो उसका इंपॉर्टेंस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने की, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस करने की जो इंपॉर्टेंस है वो जरूर समझ में आनी चाहिए कि वो एक्ट ही क्यों लेके आए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अमेंडमेंट एक्ट क्यों लेके आए, क्या जरूरत पड़गी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस नाउ, ऐसे प्रिपेयर करना है आपको पॉलिटी के लिए, राइट। अब मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं एक वर्ड के अंदर, आपका फोकस अब एनालिटिकल पार्ट पे होना चाहिए ज्यादा। लक्ष्मीकांत के कुछ पर्टिकुलर रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ वहीं प्रिपेयर करने की जरूरत है, लक्ष्मीकांत जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स एनसीईआरटी। सर पॉलिटी की एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट है, तो मेरा इसका आंसर होगा 110% यस। डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, स्पेशली एक पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th की है, बेसिकली पॉल साइंस के बच्चों के लिए पढ़ते हैं वो, पॉलिटिकल थ्योरी करके एक एनसीईआरटी है, वो तो डेफिनेटली पढ़नी है। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको बेसिक समझ में आएंगे, लाइक राइट्स, ड्यूटीज, ऑलराइट, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब जो है अगर आप एनालाइज करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन को, विल फाइंड एनालिटिकल। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ओके, एनसीईआरटी हो गया अपना, कि एनसीईआरटी डेफिनेटली बहुत रेलिवेंट है, बिल्कुल पढ़नी है, लक्ष्मीकांत में क्या करना है अपने को वो भी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, प्रीवियस, अब हमने अपना जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें से मैं एक क्वेश्चन उठा के लाया हूँ आपके लिए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझ। लाइक इसके अंदर क्या पूछा हुआ, लेट सी द क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग, डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट, द डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सी हियर। अब पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जरूर ध्यान देना होता है हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि इस पर बहुत खेला है इस बार एचसीएस, उन्होंने हाईलाइट भी नहीं करा। अगर आप नोटिस करो तो नॉर्मली इनकरेक्ट को हाईलाइट करते हैं, बोल्ड में लिखते हैं सो दैट फोकस चला जाए, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं, सिंपली लिख दिया डायरेक्टली आपके सामने। पहले देखना करेक्ट या इनकरेक्ट, ओके। अब आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, अब यहाँ पे उन्होंने पूछा डायरेक्ट, डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सोशलिस्ट, गांधी एंड लिबरल। ये मैं अपने लेक्चर्स में भी बताता हूँ, इन जो डिस्टिंक्शन है ऐसे क्लासिफिकेशन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आंसर है नो, एब्सोल्युटली नो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर रखी डीपीएसपी की, ये हमने अपनी ईज के लिए समझने के लिए हमने इनको करा है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा, ना कोई सोशलिस्ट है उनके लिए ना गांधी, उनके लिए सारे डीपीएसपी डीपीएसपी है। हाँ, फंडामेंटल राइट के केस में अगर हम देखें तो जो उन्होंने 6 कैटेगरी में जरूर फंडामेंटल राइट्स को बांट रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद, वो हम देखेंगे, बट डीपीएसपी की बात आती है तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये जो पार्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों बताई मैंने आप, अब ये जो एनालिटिकल पार्ट है, यह बुक से पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा, कि आपको लगेगा आप इसको करेक्ट ही मान के चल रहोगे कि हाँ 3 डिवीजन है बिल्कुल सही है ये, लेकिन जब तक ये समझोगे नहीं कि डीपीएसपी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और कैटेगरी का मतलब क्या है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि क्योंकि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट, तो ये क्या होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट, डीपीएसपी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1940। अब इसको आप रट भी सकते थे कि हाँ नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लॉजिक से देखो, लॉजिकली भी समझो, आपको ये पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया है, 1946, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो डीपीएसपी है, इट हैज बीन एडेड बाय एन अमेंडमेंट, तो ये बाद में ऐड किया गया। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पहली बात क्या है, प्रीएम्बल आया है इससे इंस्पिरेशन लेके, अगर इससे इंस्पिरेशन लेके बनाना होता तो स्टार्टिंग में ही बना देते, यहां से भी आप लॉजिकली भी डिड्यूस कर सकते थे अगर नहीं भी एग्जैक्टली पता। और ये लॉजिक लगाने कैसे सीख, क्या सिर्फ बुक पढ़ने से आ जाते हैं, नो,
क्योंकि समझ से आता है, चीजों को जैसे जैसे समझते जाओगे कोई ट्रिक नहीं होती है, ये अपने आप आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती जाती है जब चीजों को आप एनालाइज करते हो, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। राइट, सो ये भी क्या है आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या होगा इसका, बोथ वन एंड टू आर इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट पूछा तो दो सी ऑप्शन होगा। राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सी हेयर, नाउ दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब इसको मैं बोलूंगा फैक्चुअली बोल सकता हूँ, तो मैं फैक्चुअल भी बोल सकता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकता हूँ, बट स्टिल एनालिटिकल ये भी है कहीं ना कहीं। अब स्टेटमेंट वन, द फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसिएबल इन द कोर्ट। अब यहाँ पर आपको नॉन जस्टिसिएबल का मीनिंग पता होना चाहिए, नॉन जस्टिसिएबल ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि जिन पे कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता, या उनपे आप उनके बेसिक, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स लेट से वायलेट हो रहा है, अगर वो नॉन जस्टिसिएबल होगा तो आप इसको कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते कि भाई जज साहब हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, अगर वो नॉन जस्टिसिएबल हो। बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, आर्टिकल 32 एंड 226, आर्टिकल 32 तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टली जा सकते हो, आप बताते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। सेकंड, डीपीएसपी आर मेड जस्टिसिएबल इन द कोर्ट्स, नो, इनफैक्ट डीपीएसपी क्या होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। राइट, ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। अब मेरा इस क्वेश्चन में फोकस कराने का क्या मतलब है, या तो भी रट लो कि वो जस्टिसिएबल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन अगर आप लॉजिकली एनालाइज करो, चीजों को समझ के करोगे कि भाई डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल क्यों है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल क्यों है, अगर आपको ये रीजन क्लियर हो गया ना, तब पॉलिटी समझनी स्टार्ट कर दी आप। दैट इज द पॉइंट व्हेन यू आर एक्चुअली रीडिंग पॉलिटी फॉर सिविल सर्विस, अपना एचसीएस के लिए पढ़ रहे हो बेसिकली, उसका रीजन क्या है आई विल टेल यू इन द फ्यूचर लेक्चर्स, बट देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल बनाया था बट फंडामेंटल राइट्स को जस्टिस। ऑलराइट, तो इस स्टेटमेंट का क्या आंसर हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑप्शन बी। ओके, तो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर वीडियो। आज मैं आपको यही बताना चाहता था, आगे फ्यूचर में जो और भी लेक्चर्स आएंगे जिसमें आपको और दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आई विल ब्रिंग योर फोकस ऑन, कि उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन्हीं स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है और आपके सामने उनका रिजल्ट है, दैट अभिमन्यु आईएएस हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर देन 25+ सिलेक्शंस दिस ईयर एचसीएस एज वेल, और ये रिजल्ट कंटिन्यू रहेगा, ये प्रेजेंटेशन डेफिनेटली कंटिन्यू रहने वाली है। बट द रियल क्वेश्चन ये, क्या आप इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं, क्या आप भी अपने आप को एक एचसीएस टॉपर बोलना चाहते हैं कि नहीं, इफ यस तो वी हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू विच इज द ऑफलाइन बैच, द एचसीएस ऑफलाइन बैच is being started on the auspicious day of Haryana Day, which is 1st November. 1 November से हमारा HCS का offline batch start हो रहा है। इससे related कोई भी queries अगर आपको है तो नीचे support number है, मैंने आपके लिए comment section में leave करा दूंगा, आप उस पर call करके अपनी कोई भी query resolve करा सकते हैं regarding this particular batch. ये batch आप जितनी जल्दी join करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, because HCS की notification किसी भी time out हो सकती है, बहुत ही जल्दी निकलने वाली है। Join this batch as soon as possible and realize your dream of becoming an HCS topper or an SDM or an ETO or an DSP. एक अच्छी जॉब, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, ये हम सबको पता है अच्छे से। राइट, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कॉल अस ऑन आवर सपोर्ट नंबर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो आई विश यू गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।